हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वहीं बात करते हैं टाटा आईपीएल 2023 का 47वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच। यह मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कड़ाके की टक्कर देखने को मिली है। तो वही फ्रेंड्स बात करें तो नीतीश राणा ने हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया, उनकी टीम ने 20 ओवर में 171 रन भी बनाए थे। जवाब में सनराइज हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन ही बना सकी थी। हालांकि सनराइज हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 9 रन बनाने थे। ऐसे में नीतीश राणा ने एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए बुलाया था। हालांकि उनके सामने विस्फोटक बल्लेबाज अब्दुल समद और भुवनेश्वर कुमार थे। तो ही वरुण चक्रवर्ती ने शुरुआती दो बॉल पर भी 2 रन दिए थे। हालांकि तीसरे गेंद पर उन्होंने अब्दुल समद को अनुकूल रॉय के हाथों में कैच भी करवा दिया था। हालांकि लास्ट बॉल पर भी 6 रन चाहिए था, लेकिन एक रन भी नहीं बनने दिया वरुण चक्रवर्ती ने। तो ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हालांकि वरुण चक्रवर्ती स्पिनर बॉलर ने एक शानदार जीत भी दर्ज कराई थी। तो ही फ्रेंड्स बात कर दो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने हालांकि यह मुकाबला 5 रन से एक शानदार जीत हासिल की है। हालांकि नीतीश राणा कप्तान ने 31 बॉल पर 42 रन बनाए थे। तो वहीं रिंकू सिंह ने भी 35 बॉल पर 46 रन, एक बहुत ही शानदार पारी भी खेली थी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो वहीं फ्रेंड्स अब बात करें हालांकि सनराइज हैदराबाद की टीम की। हालांकि एडन मार्करम के साथ साथ हालांकि हेनरिक क्लासन ने भी एक शानदार साझेदारी भी दिया था। हालांकि एडन मार्करम के आउट होने के बाद अब्दुल समद के कंधों पर ही हालांकि पूरी टीम आ गई थी, लेकिन वहीं लास्ट बार पर 6 रन चाहिए था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आउट हुए थे। हालांकि उससे पहले अब्दुल समद ने छक्के मारने की पूरी कोशिश में थे, लेकिन अनुकूल रॉय के हाथों में कैच बैठा दिए थे। यह हाल वही फ्रेंड्स बात करें तो वरुण चक्रवर्ती की खतरनाक बॉलिंग की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को यह एक खतरनाक शानदार भी जीत हासिल हुई है। तो वही फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।